हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोग का एक डस्टर पंप का बारे में बताऊंगा। इसमें एक कंप्लेन है। एक कंप्लेन ये है, ये देखिए। सबसे पहले ये बूस्टर पंप है, पैनल, बूस्टर पंप का पैनल है। इसमें कंप्लेन ये है कि ये देखिए, यानी कि हर एक 10 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद में ऑटोमेटिक यानी कि चलता रहता है हमारा मोटर। तो इसमें देखिए, इसमें इसका जो है ना NRV, ये है हमारा NRV और वो दूसरा NRV, यानी कि एक नंबर पंप और दो नंबर पंप, इसमें दोनों का NRV खराब हो गया है। अभी मैंने ये पंप बंद कर दिया है, अभी पंप नंबर 2 चल रहा है खाली। ये देखिए, ये मैंने पंप नंबर 1 को बंद कर दिया है, पंप नंबर 2 चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, NRV में जब हमारा प्रेशर रिलीज होता है तो फिर से, यानी कि रिलीज होने के बाद में फिर से पंप हमारा चालू हो जाता है। क्योंकि ये जो कुछ ही देर के बाद में रिलीज होने के बाद में कुछ ही देर के बाद में फिर प्रेशर बनता है, फिर रिलीज होता है, फिर प्रेशर बनता है, फिर रिलीज होता है, इसलिए ये हमारा ख़राब है। तो हम इसको ये चेंज करना पड़ेगा, नया लगाने पड़ेगा। क्योंकि इसका अंदर में हमारा वाशर रहता है, जो हमारा प्रेशर जब बनता है फिर से रिटर्न होने के बाद में इसका प्रेशर फिर से रिटर्न नहीं होता है, रिलीज नहीं होता है। लेकिन इसमें लीकेज है अंदर में, वो जो वाशर है वो ख़राब हो गया है ये दोनों का, इसलिए ये प्रेशर छोड़ देता है। और अब देखिए, ये हमारा पैनल है, ये हमारा टाइमर है। ये टाइमर मतलब हम जितना टाइम पे सेट करेगा इसको, उतना टाइम में हमारा पंप चेंज होगा, यानी कि एक नंबर से दो नंबर में। एक बार रिलीज होने के बाद में फिर दूसरा पंप चलेगा, दूसरा रिलीज होने के बाद में एक नंबर चलेगा। ये देखिए, ये हमारा लैचिंग रिले है, लैचिंग रिले है, ये पंप चेंज करने का काम करता है, ये एक नंबर से दो नंबर। और इसके बाद में ये हमारा फ्यूज है, ये देखिए, ये लैंप का फ्यूज है। ये देखिए, ये लैंप अभी जल रहा है, ये दोनों लैंप अभी ख़राब है, ये लैंप है अभी सही। तो ये देखिए, मैं इसका ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्यूज है, ये देखिए हमारा लैंप अभी बंद हो गया। ये लैंप नहीं जल रहा है क्योंकि ये हमारा लैंप अंदर में का बल्ब ख़राब है लैंप का, इसलिए नहीं जल रहा है। और ये देखिए, ये हमारा सिंगल पोल MCB है, 10 एम्पियर का, हाँ 10 एम्पियर का। उसके बाद में इसका काम है वायरिंग कंट्रोल वायरिंग का। इसका जो जितना कंट्रोल वायरिंग है, जैसे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का हो गया, इसका पूरा ओवरलोड रिले का हो गया, इसका पूरा कंट्रोल वायरिंग है इसमें, इसी से होता है। और ये हमारा ELCB 1 है एक नंबर पंप के लिए, और ELCB 2 दो नंबर पंप के लिए है, दो नंबर मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के लिए। और ये हमारा ABB है, ये देखिए, ये 3 पोल का है, एक नंबर और दो नंबर के लिए, एक नंबर और दो नंबर के लिए, दो नंबर पंप के लिए। अभी मैंने इसको बंद कर दिया हूँ, अभी इसको मैं चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको भी चालू करेगा। जैसे ये हमारा लैचिंग रिले है, ये लैचिंग रिले आपको इसको नीचे जब होगा ऑटो में, ये देखिए हमारा दूसरा पंप चालू होगा। ये देखिए, अभी ये पंप चालू होगा, ये देखिए अभी हमारा वो बंद है, इसलिए नहीं हो रहा है। अभी अभी देखिए, मैं इसको ऑटो में नहीं रखा है, ये देखिए अभी ऑटो में नहीं रखा है। ये देखिए, अभी हमारा दूसरा चालू हो गया, ये देखिए अभी हमारा रिले NRV ख़राब है, इसके लिए एनी टाइम रनिंग हो गया, और ये लैचिंग रिले काम नहीं कर रहा है। अभी इसका मैं ऊपर कर देता हूँ, अभी देखिए ये छोड़ दिया, इसलिए अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए, और ये हमारा रिले है, ये रिले, उसके बाद में, और ये देखिए, ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, पंप नंबर 1 का, पंप नंबर 2 का, ये अभी पंप नंबर 2 का चल रहा है। उसके बाद में ये हमारा ओवरलोड है, रिले है, इसमें देखिए हमारा मोटर जो है वो 7 एम्पियर का है, इसलिए हमने 7 पे सेट किया है इसका। ये देखिए, हम जितना पे सेट करेगा उसके बाद में ये 7 से ज़्यादा होगा, हाई होगा तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, वो नहीं चलने देगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो
अगर ज्यादा लोड लेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो ट्रिप होगा तो हमारा इधर पे देखिए, इधर पे हमारा ट्रिप बटन आएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये जैसे देखिए, ये जैसे मैं देखिए मैं ट्रिप करके दिखाता हूँ आपका। ये देखिए अभी ट्रिप हो गया, ये देखिए ये अभी ट्रिप हो गया, मैंने ट्रिप किया आपको दिखाने के लिए। अब उसके बाद में क्या करेगा, हमको इसको रीसेट करेगा, इसको रीसेट करेगा तो ऐसे कर दिया, ये रीसेट हो गया। ये देखिए तो ये देखिए हमारा रीसेट होने के बाद में फिर से वो चालू होने लगा, फिर से चालू हो गया। और ये देखिए ये हमारा इंसुलेटर है, इसे हमारा ऑन ऑफ होता है। जैसे देखिए मैंने इसको बंद कर रहा हूँ, ये बंद हो गया, इंसुलेटर है ये मेन इंसुलेटर। उसके बाद में मैं चालू कर दिया। और ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक है मोटर का, और ये हमारा फ्लोर स्विच का है, इसमें फ्लोर स्विच BMS में जाता है, ये टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, इसको हम ऑटो में रखा हुआ है अभी। अभी ये हमारा पंप ख़राब है इसलिए मैंने ऑफ कर देता हूँ इसको। और ये हम हैंड में भी चला सकता है, ये देखिए अभी ऑफ हो गया, और मैंने हैंड में चलाएगा तो इसको ऐसे करेगा। ये हमारा इंडिकेटर है रनिंग का, पंप नंबर 1, पंप नंबर 2 एंड पंप नंबर 1। अभी हैंड में चल रहा है, अभी इसको ऑफ करके ऑटो में मैं फिर से डाल देता हूँ। और ये देखिए ये हमारा प्रेशर स्विच है, ये देखिए ये हमारा प्रेशर स्विच है, ये देखिए। जब हमारा प्रेशर स्विच काम नहीं करने लगेगा तो मैं ये वायर को और ये वायर को शॉर्ट करेगा तो अपने आप चलने लगेगा, वही पैनल हमारा पैनल कमांड देगा और हमारा मोटर चलने लगेगा। इसके बाद में ये स्क्रू हमारा हाई प्रेशर स्क्रू है और ये हमारा लो प्रेशर स्क्रू है। अगर हम इसको टाइट करेगा तो हमारा हाई में यानी कि लास्ट हमारा प्रेशर कितना बनेगा उसके बाद में वो कट हो जाएगा, और ये लो प्रेशर से कट हो जाएगा। ये देखिए जैसे आपको देखिए अभी 60 पे आया तो कट हो गया, 60 पे आया तो हमारा मोटर बंद हो गया, और ये 38 पे आया तो हमारा मोटर चालू हो गया। तो अभी ये देखिए ये हमारा प्रेशर टैंक है, इसमें प्रेशर बनता है। उसके बाद में मैं आपको ये देखिए ये हमारा मोटर है, 1 नंबर पंप और 2 नंबर पंप। अभी 2 नंबर पंप चल रहा है क्योंकि हमारा 1 नंबर पंप अभी बंद किया हो, क्योंकि हमारा ये जो NRV है ये दोनों का ख़राब है, इसलिए मैं अभी नॉर्मली चला रहा हूँ। उसके बाद में ये देखिए हमारा टैंक है, इसमें फ्लोर स्विच रहता है। जब पानी जो हमारा ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसलिए ड्राई से बचने के लिए पंप हमारा चालू न रहे इसलिए इसमें फ्लोर स्विच लगाया हुआ रहता है। सो होप गाइस मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो प्लीज़